सर फिजिक्स तो हमारा हो जाता है, केमिस्ट्री भी हमारा हो जाता है, पर मैथ्स तो सर जमती नहीं है। सर मैथमेटिक्स मैं कर लेती हूँ, सर केमिस्ट्री भी मैं कर लेती हूँ, मुझसे तो फिजिक्स नहीं जमता है। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखो इस फोटो को, क्या नज़र आ रहा है? इक्वलिटी इज नॉट इक्वल टू जस्टिस। आपको पता होगा जो आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होता है टोटल मार्क्स के बेसिस पे होता है। समझो आपकी फिजिक्स में इतनी आई, मैथ्स में इतनी आई, तो एवरेज कहाँ पहुँचेगा? एवरेज पहुँचेगा यहाँ पर। ओके, सो इक्वलिटी इज नॉट इक्वल टू जस्टिस। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा समय दो, उसको खींच खींच के ऊपर लेकर आओ। जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, साल भर पढ़ा है, अभी भले ही ब्लैंक फील हो रहा है आपको, बट कोई बात नहीं, एग्जाम में वो चीज़ सब चीज़ें क्लिक होती हैं। सो जो सब्जेक्ट वीक है उसको ऊपर लेकर आओ ताकि आपका एवरेज परसेंटाइल अच्छा बने।